मेरा जिगर पत्थर का है और मैं डरता नहीं। आहिस्ता से मैंने अपने मुंह में बर्फ डाल दी ताकि वो मेरी सांसें देख ना पाए। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं, मैं उसे और करीब आने देता हूं। मेरे पास सिर्फ एक गोली है, मैं आराम से उसकी आंख पर निशाना साधता हूं और धीरे से ट्रिगर दबाता हूं। अभी वैसली गोली चला। का पतझड़ पूरा यूरोप नाजी हुकूमत के कदमों तले था। जर्मन थर्ड राइक अपनी ताकत की चरम सीमा पर है। हिटलर की सेनाएं सोवियत यूनियन की सीमा चीरते हुए एशिया के तेल के कुओं की ओर बढ़ रही हैं। उनके रास्ते की एक आखिरी अड़चन है वोल्गा नदी के पास बसा शहर, जहां दुनिया की तकदीर का फैसला हो रहा है, और उस शहर का नाम है स्टालिनग्राद। आगे बढ़ाओ, पीछे नहीं। हमें सोवियत के रबों को आजाद।
बंदूक नहीं है, अगला वो उनके पीछे जाओ। जब बंदूक वाला सैनिक मारा जाए तो पीछे वाला सैनिक वही बंदूक उठाएगा और गोली चलाएगा। जिसके पास बंदूक है वो आगे बढ़ो, जिसके पास बंदूक नहीं वो सैनिक बंदूक वाले के पीछे जाएगा। जब बंदूक वाला सैनिक मारा जाए तो पीछे वाला सैनिक वही बंदूक उठाएगा।
कभी कोई दुश्मन स्टालिनग्राद की जमीन पर कदम नहीं रखेगा।
ग्लव है, और एक ग्लव सेकंड क्लास 21st इन्फेंट्री। वो दिन था सितंबर की 20 तारीख 1942। एक नौजवान चरवाहा वोल्गा नदी के किनारे बसे हुए स्टेलिंगार्ड शहर में आया। उसका नाम है वैसिली ज़ाइत्सेव। उन हजारों जवानों की तरह वो भी कॉमरेड स्टालिन की पुकार पर आया। हाथ में सिर्फ एक बंदूक थी, लेकिन उसने उसी बंदूक के सहारे दुश्मन को एहसास दिलाया कि अब हमारी मातृभूमि पर उठने वाले हर कदम को वो रौंद देगा और अब उन्हें यहां से लौटना ही होगा। कैसा लगा? शायद आपने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है। सितंबर सन 1942। मैंने हुक्म की तामील की, अपने सभी जवानों को जंग में भेजा, पर जर्मन की सेना के सामने हम टिक नहीं पाए। उनके पास हथियार है, विमान है, टैंक है, और हम हमारे पास क्या है? जंग में डटे रहने का फर्ज मुझे भी किसी को जवाब देना पड़ता है। अपनी सजा खुद तय कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरा नाम निकिता सगेविच क्रुश्चेव है। मैं यहां की स्थिति संभालने के लिए आया हूं। यह शहर न कर्क है, न कीव है, न मिंस्क है। ये शहर स्टालिनग्राद है, स्टालिनग्राद। ये शहर हमारे लीडर के नाम पर है। एक शहर से ज्यादा ये प्रतीक है। अगर जर्मन्स ने ये शहर हथिया लिया तो पूरा मुल्क ढह जाएगा। तब मैं चाहता हूं कि हमारे जवान सर उठाकर लड़े। मैं चाहता हूं कि उनमें मर्दों वाली बात हो। मैं चाहता हूं कि वो पतलून गीली करना बंद करें। ये तुम्हारा काम है। पॉलिटिकल ऑफिसर्स होने के नाते तुम्हें उन्हें तैयार करना है। तुम क्या सुझाव है तुम्हारा? जो जनरल जंग से भाग कर आए हैं उन्हें और उनके अफसरों को उड़ा दो। मिसाल कायम करें, मरने वालों के परिवार को। वो सब कर चुके हैं। जवानों को उम्मीद दें। यहां उनके दोनों ही तरफ मौत है, उन्हें जर्मन मारेंगे या हम।
पर एक और रास्ता है, वो रास्ता है साहस का, अपनी मातृभूमि के लिए प्यार का। हमें सेना का अखबार दोबारा निकालना चाहिए, उन्हें महान कहानियां सुनानी चाहिए जिससे उन्हें प्रेरणा मिले कुर्बानी की बहादुरी की। हमें उन्हें जीत पर यकीन दिलाना होगा, हमें उन्हें देनी है उम्मीद, गुरूर और बहादुरी से लड़ने का जज्बा। हाँ, हमें मिसालें कायम करनी है, एक ऐसा शख्स जो ये कर सके। हमें चाहिए एक हीरो। क्या तुम यहां किसी हीरो को जानते हो? हाँ कॉमरेड, एक शख्स है। ये तो मैम वैसेली जाइद से। हाँ ये मैम। हाँ ये तुम ही हो, ये तुम्हारा ही नाम है। हम पहले पन्ने पर हैं, उन्होंने एक शब्द नहीं बदला। तुम जानते हो इस सब का क्या मतलब है? जानते हो तुम? हाँ, ये आखिरी पन्ना नहीं है, ये दूसरा पन्ना नहीं, ये पहला पन्ना है, ये पहला पन्ना है। वो ये लेख हर जगह छापने वाले हैं, कॉकेसस शहर में, जिनिया शहर में और यूरल में भी। कल सुबह स्टालिन खुद नाश्ते के टेबल पर मेरे शब्द पढ़ रहे होंगे और तुम्हें याद कर रहे होंगे। हम मशहूर हो गए वैसली, क्रुशेव का लेख पसंद आया, उन्होंने मुझे जनरल बना दिया, ये देखो। और तुम्हें एक शातिर निशानेबाज। हाँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात, अच्छी बात। कमाल, हाँ धमाल हो गया, क्या हाँ। बात है, हम दोनों के लिए, क्योंकि हमने मिलकर किया एक साथ। हालांकि सारी मेहनत तो मैंने की है। अच्छा? नसीब वाले हो जो मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि क्रुशेव ने मुझे कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अब तुम बहुत अहम हो, जरा संभल कर, जरा संभल कर, मेरा चश्मा टूट जाएगा। नया माफ कीजिए, यूरल से आए एक नौजवान चरवाहे वैसेली ने 12 जर्मन ऑफिसर को मारा, रेडियो को मारा करता था, अब दुश्मनों को और जनरल को मारा वैसेली जाइद से। उन्हें वो हम सब के लिए एक मिसाल है। आज वैसेली जैदसेव ने एक और जर्मन शिकारी को मारा, आज उसने 46 जर्मन ऑफिसर को मारा। गिनों की गिनती मत करो, सिर्फ ये गिनो कि उसने कितने जर्मन। ये रहे वो सबूत, 11 बैच जो वैसेली ने पिछले 3 दिनों में इकट्ठे किए हैं, उसकी रगों में रूसी लोगों का सब्र है। ज्यादा से ज्यादा आदमी और औरतें, साथ ही हमारी सेना के हर विभाग का जवान इस शूटर विभाग में शामिल होकर वैसेली जैसे जैसा बनना चाहते हैं। से सांस लूंगा, मैं आग पर निशाना साधूंगा, शहर में सबसे अच्छा खाना पकाती है। ये तो अच्छी बात है। देखना वो आपको देखकर एकदम हैरान हो जाएगी। आज कितने मारे? सिर्फ 2। और वो आखिरी वाला, उसे क्यों नहीं मारा? वो सिर्फ एक मामूली सिपाही था, उसे मारना मेरी शान के खिलाफ होता। सलामत रहो, हम सब तुम्हारे कर्जदार हैं, हम रोज तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं और रोज शाम को रेडियो मॉस्को पर तुम्हारी खबरें भी सुनते हैं। शुक्रिया, आपकी ये जगह बहुत अच्छी है। जंग से पहले मेरे माँ बाप यहाँ सामान रखा करते थे। साशा, वो बंदूक नीचे रख दो, ये भरी हुई है। इस तरफ कॉमरेड। शुक्रिया कॉम्रेड। कैसे हो कॉम्रेड जैद साहब? <Yeah. laughs>
इतने सारे खत आते कहां से हैं? पूरे मुल्क से आते हैं मिसेस फिलिपो, हर शहर से। ये वाला कुसबास के मजदूरों का है, वो अपनी खदान को वैसली का नाम देना चाहते हैं। ठीक है, इसी खत से शुरुआत करते हैं। सिगरेट छोड़ो और काम पर लगो। कुसबास के मजदूर भाइयों, कुसबास, इस तारीफ भरे खत के लिए शुक्रिया। तारीफ, तारीफ री में बड़ी ई की मात्रा। और आशा है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। ख पर नुक्ता लगाना नहीं भूलना। खरा उतरूंगा। आपको साहित्य में दिलचस्पी है मिसेस फिलिपो? घबराइए नहीं, हमारी पड़ोसन है। हाँ तो हम कहां थे? तानिया, ये हमारी मेहमान है। आप मेरे नाम पर मैंने तुम्हें कहीं देखा है? ये वसीली ज़ाइट्सेव है। मैंने तुम्हारी तस्वीर अखबार में देखी थी। हम सब तुम्हारे बेहद शुक्रगुजार हैं। और ये इनके दोस्त हैं कमांडर डैनिलोव। डैनिलोव, तानिया मेरी बेटी जैसी है। जब मैं फैक्ट्री में काम करती थी तो ये साशा का ख्याल रखती थी। इसने उसे जर्मन भी सिखाई। ये सारी किताबें इसी की हैं। अच्छा, ये आप? इसने यूनिवर्सिटी से जर्मन पढ़ी है। कौन सी यूनिवर्सिटी? मॉस्को। मॉस्को? हाँ, मॉस्को। क्या हम हाँ आगे लिखते हैं। आपके खदान को मेरा नाम देना मेरे लिए फक्र की बात है। लिखो फक्र। मैं जानता हूं फक्र। बहुत अच्छा। क्या हमें उन्हें यह समझाना नहीं चाहिए कि मैं यहां अकेला नहीं लड़ रहा? ये तो बहुत अच्छी बात है वैसली, बहुत अच्छी बात है। हम कुछ और भी आगे लिख सकते हैं। अच्छा, हाँ, जिससे उन्हें हिम्मत मिले। खदान से कोयला निकालने की आपकी जंग मेरी जंग से कम नहीं है। कोयले पर दो मात्राएं नहीं होती, सिर्फ एक होती है। हाँ ऐसे, अगर मैं बहुत तेज बोल रहा हूं तो बताना। नहीं, आप पक्का ना? सही जा रहे हैं, मैं बस थोड़ा सुधार करने की कोशिश कर रहा था। आप लोग थोड़ा आराम क्यों नहीं करते? ये खत कल भी लिख सकते हैं। आज लिखना जरूरी है, हम थके नहीं हैं। शुक्रिया मिसेस फिलिपो, इन लोगों ने हमें लिखने की इतनी तकलीफ उठाई है। क्या पता कल शायद हम इनका जवाब दे ना पाए। मेजर कोनिक आ गए हैं सर। मुझे तो किसी दूसरे अफसर को
जरूरत था आप जैसे जाने माने अफसर को नहीं। मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसे खौफनाक माहौल में क्यों उलझ रहे हैं। मेरे सेना को ऐसी जंग लड़ने नहीं आती। कल भी मुझे अपने 25 सर्जन्स को अफसर बनाना पड़ा क्योंकि अफसरों को शार्प शूटर ने मार दिया। वो हमारी सेना का हौसला पस्त कर रहे हैं। ये शहर खंडरों के ढेर से ज्यादा और कुछ नहीं। पर फ्यूरर अपनी सिख पर अड़ा है। उन्होंने इसे स्टालिन और अपने बीच का मुद्दा बना लिया है। हमें फ्यूरर की सोच पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने हमेशा हमें जीत दिलाई है। हम क्रिसमस तक घर पहुंच जाएंगे। आप कैसे ढूंढने वाले उस नौजवान रूसी निशानेबाज को? मैं कुछ ऐसा करूंगा वो खुद मुझे ढूंढने निकल पड़े। वैसली, बहुत सो लिया, आप उठ जाओ। क्या हुआ? डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ से कुछ परेशानी है, चलो उठो। देखो वैसली, वो डिपार्टमेंटल स्टोर में छिपा है, वो वहां पर। वो अब तक 5 बड़े अफसरों और 2 सिपाहियों को मार चुका है। तीसरी मंजिल, बाईं ओर से चौथी खिड़की। बाईं ओर से चौथी खिड़की, वो दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। शाबाश, हो गया काम से। कमाल का निशाना था। चलो उसका बैच लेकर आते हैं। अलविदा कॉमरेड। मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया मिसेस फिलिपोव। आप जो चाहें ले सकते हैं। अगर मैं जाने माने जर्मन लेखकों की किताबें लेकर हेडक्वार्टर में गया तो पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे। सभी बेहतरीन किताबें हैं। क्या तुम्हें सेना में भर्ती होने के लिए चुना गया था? नहीं, मैं खुद हुई। तुमसे यूं मिलना एक इत्तेफाक से कम नहीं है। कॉमरेड क्रुशव कल ही मुझे कह रहे थे कि हमें जर्मन बोलने वाले एक आदमी की जरूरत है। मैं नहीं बोलती, हमारी सेना की टुकड़ी पर इस पूरे इलाके की जिम्मेदारी है और लोग पहले से ही कम हैं। हम तुम्हें जर्मन बोलने वाले एक एक सिपाही के बदले दर्जन सिपाही देंगे। यहाँ रहकर लड़ना बेहतर होगा। हेडक्वार्टर में काम करना भी देश की सेवा है। तुम यहीं रुको और आसपास नजर रखना, हम जाते हैं। जान, अपना ख्याल रखना। लुडमिला, चलो।
में फंसाया है। जानता हूं। क्या मतलब है? यूरल के नौजवान चरवाहे को नई स्नाइपर राइफल मिली है जिसका नाम है मोइसिन नेगेंड 762 जिसमें 35 पावर पीवी टेलीस्कोप है, आधुनिक, जिस पर सोवियत को नाज है। मैंने वो राइफल पास से देखी है। ओके। उसे छुआ भी है। मैं अच्छे से जानता हूँ वसीली जाइचेव को। रूसी मुख्यालय, एक सैनिक छावनी। लुडविला और एंटन आज मारे गए सिर्फ मेरी वजह से। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहां एक जर्मन निशानेबाज था और मैंने उन्हें उसके जाल में फंसा दिया। और क्या बता सकते हो मुझे? उसने जगह नहीं बदली। जो निशानेबाज जगह नहीं बदलते
वो बहुत काबिल था। कमाल सिर्फ उसके हुनर का नहीं था, उसकी समझ का था। वो हर पल मुझसे आगे था क्योंकि वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। उसका नाम है कोनिक, मेजर कोनिक। दुश्मन ने उसे भेजा है तुम्हें वहां ढूंढने के लिए। पहले हमें इस खबर के सही होने का यकीन नहीं था। सुना है कि वो सीधे बर्लिन से आया है खास तुम्हें रोकने के लिए। तुमने उनकी नींद उड़ा दी, इसीलिए उन्होंने अपना काबिल निशानेबाज भेजा। तो हम उसके बारे में क्या जानते हैं? वो जर्मन सेना में एक मेजर है, साथ ही निशानेबाजी स्कूल का डायरेक्टर भी है। दोनों ने जंग से पहले जोसन में एक साथ ट्रेनिंग ली थी। ये उसके सारे पैतरे जानता है। आज के बाद ये हर जगह तुम्हारे साथ जाएगा। कोनिक बवाना का रहने वाला है, जो हिरन का शिकार करता है। उसका मुकाबला है यूरल के चरवाहे से, जो भेड़िये मारता है। अब इस जंग के हार जीत का फैसला दो निशानेबाज तय करेंगे। उसे कुत्ते की मौत मारना। मुझे खुशी है कि आप खुश हैं। उसके पास सारी जानकारी थी, पर अब बारी तुम्हारी है। तुम सबसे बेहतर निशानेबाज हो, समझे? उसका तबादला हुआ है। मैं अंदर जाके सारे इंतजाम देख कर आता हूं। कैसी हो? बहुत जच रहे अपनी नई भर्ती में। काम खत्म होने पर उन्हें ये वापस मत देना। पर वो ले ही लेंगे। मैंने उस जर्मन के बारे में अफवाह सुनी। अपना ख्याल रखना। शुक्रिया, जरूर रखूंगा। पर कमरा डैनिलोफ का कहना है कि जीत तुम्हारी ही होगी। तैयार हो जाओ। वैसली, इधर देखो। आओ, गले लग जाओ। देखिए इधर, वैसली वैसली इस तरफ देखिए, वैसली इस तरफ देखिए। टोपी पहने रहो, उससे ज्यादा हीरो दिखते हो। मुझे ये नौजवान बहुत पसंद है। वैसली, क्या तुम सच में थल सेना में भर्ती हुए थे? वैसली, कितनी उम्र है आपकी? जानते हो ये रत्न कितना कीमती है हमारे देश के लिए? क्या तुमने 5 साल की उम्र में एक भेड़िया का शिकार किया था? और तुमने कितना दुश्मन? तुम्हें इस बात का नाज है कि जर्मन का सबसे अच्छा निशानेबाज तुम्हें मारने आया? ये संकेत है कि जर्मन अपनी पतलून गीली कर रहे हैं। चलो इन्हें बताओ बच्चा कि कैसे तुम उसका सामना करने वाले हो। रहने दो, सवाल है। तुम सीधे उन्हीं को बताओ, इन्हें शिकार की कहानियां सुनना पसंद है। इन्हें फक्र से देखो, क्योंकि ये तुम्हें दिख रहे हैं। पूरा देश तुम्हें दिख रहा है। माफ कर दीजिए मुझे दादाजी। October 1942 समझा कि शिकार किए गए भेड़िया नहीं चुनता, शिकारी चुनता है। जरूर तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें सिखाया होगा। इस बार फर्क इतना है कि शिकार मैं बना हूं। खैर, आज हम उस भेड़िये को फिसलाकर उसके ठिकाने से बाहर निकालेंगे और वहां खड़ा करेंगे जहां हम चाहते हैं।
तुम्हारी जिंदगी ज्यादा कीमती है, तुम पहले जाओ। नहीं नहीं, हम लोग बारी बारी जाएंगे। अगली बार आप पहले जाएंगे और उसके बाद तुम जाओगे। एक नई पैंट है और मैंने कल ही एक शहीद हुए कैप्टन के तन से उतारी थी। सोलह महीने मैंने जर्मनी के जॉसन स्कूल में गुजारे। जाहिर है यह तब की बात है जब हम और जर्मन दोस्त थे, जब स्टालिन और हिटलर हाथों में हाथ डाले घूमते थे एक साथ। यहां से उस वायर की दूरी 160 मीटर है ना? नहीं, 155। जो भी हो, वो लोग अपना रिपेयर वाला बंदा बाहर भेजेंगे। चलो जगह बदलते हैं। अबे घन चक्कर, जब उन हमले के बाद वहां का सारा माहौल ही बदल गया। उन्होंने मुझे जेल में फेंक दिया। तुम क्या कर रहे हो जर्मनी में? हाँ, मैंने कहा माफ करें, मुझे वहां कॉमरेड स्टालिन नहीं भेजा था। हमारे महान नेता पर गद्दारी का इल्जाम मत लगाओ। तुम जासूस हो कमीने, मान लो और मारा 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 मारा। जालिमों को कुछ नहीं मिला तो हथौड़ी से मारा, खूब मारा, मेरे सारे दांत तोड़ दिए। ये सच है बच्चे, किसी गलतफहमी में ना रहना। ये लोग कब क्या रंग बदलेंगे कहना बहुत मुश्किल है। देखिए वो रहा रिपेयर वाला, मैं उड़ाता हूं। खाने का समय हो गया ना? मैं जा रहा हूं। तुम्हें रोका किसने है घनचक्कर? और ध्यान रहे, खाना अपने मुंह में डालना, कपड़ों पर नहीं, समझे गधे? ये दुश्मन के निशानेबाज की पिछले 24 घंटों की जानकारी है। स्टेशन सेक्टर की ट्रेन में दो संतरी मारे गए, एक हथियारों का पहरेदार मारा गया उत्तरी सेक्टर में, एक लेफ्टिनेंट मारा गया पेंसर डिवीजन से फैक्ट्री सेक्टर में, तीन टेलीफोन रिपेयरमैन मारे गए मजदूरों के रिहायशी इलाके में। दुश्मन का एक सिपाही अभी अभी हमारे हाथ लगा है, शायद आपके काम का हो। वो अभी तक बोलने लायक हुआ तो? क्या कहा आपने सर? कुछ नहीं, शुक्रिया। तो हमें बताओ, बुला दिया, किस बिल्डिंग में है वो? मेरे लिए जानना मुश्किल है, वो जगह बदलता रहता है अपनी, वो कूदता है एक से दूसरी जगह पर। कौन सी मंजिल पर है? मैं नहीं जानता। वो हम पता लगा लेंगे। इसके कपड़े उतारो, इसे अपनी वर्दी पहना दो। वो
जिद्दी हैं बहुत। यही तो अच्छी बात है जर्मन लोगों की। एक बात तो माननी पड़ेगी कि जब उनके दिमाग में कोई तरकीब आती है तो ठीक है। चलो देखें अपना दुश्मन आया कि नहीं। तुम तैयार हो? और अब यूरल का मशहूर चरवाहा जिस एजर कोनिक बेवकूफ समझते हैं, देखने जा रहा है कि उसका निशाना सही है या नहीं। मेजर कोनिक ने उसे देखा, उसकी हेलमेट पर निशाना साधा, गोली चलाई और अपनी जगह बताते हुए खुद मारे गए। अफसोस, मेजर कोनिक ने गोली नहीं चलाई क्योंकि मेजर कोनिक वहां है ही नहीं। कोनिकोव, उस जवान का मरना कुछ अजीब नहीं लगा? उन्होंने खुद उसे भेजा दूसरों की तरह मरने के लिए, सीधा मौत के मुंह में, बिना किसी हथियार के, और उसको कवर भी नहीं किया। अरे नहीं नहीं, मैं ही बेवकूफ था। उन्हें किसी छोटे अफसर की जान की परवाह नहीं। मेरा मतलब जैसे हमें अपने दुश्मनों की नहीं, ऐसे दो चार मरने से मेजर को कोई फर्क नहीं पड़ता। कल हम कुछ जनरल मारेंगे। किसकी बारी थी? शायद मेरी है। तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए। नहीं 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 नहीं, अब मैं पहरे जाऊंगा और अब जख्मी होने की बारी तुम्हारी है। निशानेबाज का मामला कुछ ज्यादा ही खींच गया है। तुम्हारा वो वैसिली क्या कर रहा है बताओगे? गहरी छानबीन कॉम्रेड क्रुश्चेव, वो जर्मन्स की कमजोरी भांप रहा है। वो बहुत सही तैयारी करता है। शराब हमारे पास बेशुमार है, लजीज खाना बेशुमार है हमारे पास, लेकिन समय नहीं है। उसे इसका अंदाजा है कॉम्रेड क्रुश्चेव, हम दोनों को है। मेरा यकीन मानिए, वही जीतेगा। अच्छा है, तुम दोनों की तकदीरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। Thank you.
उलझाए रखते हैं। हा? मैं ये रसोई से लाया हूं, ये उस रात की दावत में बच गया था, शायद मिसेस फिलिपो को पसंद आए, है ना? हाँ, वो बहुत खुश होंगी, लाने का शुक्रिया। तुम्हें भूख लगी हो तो और भी है। तुम यहूदी हो ना? हमारे धर्म में ये तो नहीं कहा कि इसे नहीं खा सकते। मेरे पिताजी को आभास था कि ऐसा होने वाला है। मतलब ये जंग? वो समझ गए थे कि यहूदियों के दिलों में नफरत थी। वो कुछ पैसे बचाकर पैलेस्टीन में जमीन खरीदने वाले थे। वो कहते थे कि सिर्फ वही सही मायने में हमारी अपनी जमीन है, सिर्फ उसकी रखवाली करना हमारा फर्ज है। उनकी जिद थी कि मैं बंदूक चलाना सीखूं। मैंने चलानी सीखी। मैं जानती हूं कि जंग के माहौल में जज्बातों को कोई जगह नहीं मिलती। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? कुछ भी, एक बार कहो तो। मुझे यहां से जाना है। क्या बात है तानिया? कॉली को मारे गए, वो पहले कूदे तब भी उसने उन्हें मार दिया। उसने उन्हें दौड़ते हुए मारा, वो नामुमकिन शब्द था। मैंने जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। मैं आपके लोगों को जीत नहीं दिला सकता। उस आदमी के सामने मैं कुछ नहीं हूं। तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है वसीम। अगर मैं कहूं कि हमने उसे पकड़ने का तरीका ढूंढ लिया है तो कोई मिल गया है वसीम, जो उसके करीब रहकर हमें उसकी पूरी जानकारी देगा, और अगली बार तुम उसे एक कदम आगे होगे, समझे? वादा करता हूं। अब तुम मेरा एक काम करोगे? अंदर आइए। तुम उसके आसपास ना रह कर भी उसकी सांसों में रहकर हर पल उसके पास रहती हो। तुम उसे हमेशा गौर से देखते हो, ये भी देखते हो कि उसने बाल सवारे हैं या नहीं, ये देखते हो कि वो पहले से ही शादीशुदा है या नहीं। देखो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक धुंधले साए से या वर्दी से लगा हुआ है, वो एक जीता जागता आदमी है जो तुम्हें बेहद चाहता है। मेरी बातें भूल जाओ, अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दो। डैनिलोव ने तुम्हें ये सब कहने को कहा है? वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसने तुम्हें बताया कि मैंने तबादला क्यों मांगा? नहीं। आज सुबह हेडक्वार्टर में एक लिस्ट आई है। इस लिस्ट में उन लोगों का नाम है जिन्हें 3 हफ्ते पहले इकट्ठा करके ट्रेन के जरिए स्टालिनग्राद से जर्मनी भेज गया था। मेरे मम्मी पापा उनमें थे। 30 किलोमीटर के बाद जर्मन सिपाहियों ने उन सबको जबरदस्ती बाहर निकाला। पुल के बीचों बीच उन सबको एक साथ बांधा, 2 की जोड़ियों में, मां और बेटी को, पति पत्नी को। उन्होंने उन्हें रेलिंग के पास खड़ा किया और फिर गोली बचाने के लिए हर जोड़े पर एक गोली चलाई। काम बन गया। जो लोग मारे गए उनकी लाशों ने दूसरों को पानी में घसीट लिया। मैं जानती हूं वो एक साथ मरे, वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते।
मुझे पता है वो कहाँ से जाते हैं। वो ट्रैक्टर फैक्ट्री से जाते हैं। ट्रैक्टर फैक्ट्री तो काफी बड़ी है। मुझे सही जगह पता है, वो फैक्ट्री के नीचे के गटर से जाते हैं, वो भी रेंग कर, फिर वो वर्कशॉप से बाहर निकलते हैं। इन दोनों के बीच उन्हें कुछ खुली जगह मिलती है, वो जगह लोहे के पुल के नीचे है। पांच नवंबर सन 1942। अपना ख्याल रखना कॉमरेड।
जाना चाहिए। नहीं लौट जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं तुम जाओ। अपने पैरों को अंदर रखो। कोशिश। तुम्हारी मातृभूमि और तुम्हारी तकदीर दांव पर लगी है। अब तो चाहने वालों की खातिर जाओ। ये जंग हमें उनके लिए लड़नी है। सुनो मेरी बात सुनो तानिया। जर्मन्स काफी ताकतवर है। हर 10 में से सिर्फ एक खुश नसीब जवान जिंदा लौटने वाला है। तुम पढ़ी लिखी हो, भाषाएं जानती हो, उनकी हर जानकारी हमें समझाकर हजारों जिंदगियां बचाती हो। हर संदेश का खुलासा करके उनको कमजोर बनाती हो। जिंदा रहना तुम्हारा फर्ज बनता है। वैसे ही बंदूक चलाने के लिए पैदा हुआ है उसे वही आता है। तुम और मैं दूसरे मकसद के लिए पैदा हुए हैं। अगर वैसे ही यहां होता तो वो भी तुमसे यही कहता। कहां है वासिली? से एक कांच का बड़ा सा टुकड़ा ले आओ।
कैसे हो चाचा? तुमने जैसा कहा वो वैसे ही था, पर उतना नहीं। वो बहुत चालाक है, एक बात बताओ, उसके दादाजी ने उसे बंदूक चलानी सिखाई पर उसके पिता को क्यों नहीं? उनके पिता नहीं है, माँ भी नहीं है। पिता के बारे में बात करता है? नहीं, वो उन्हें नहीं जानती। वो स्कूल गया था? उन्हें लिखना आता है, वो ढेर सारे खत लिखते हैं। उसे लड़कियां खत लिखती हैं? उन्हें सब लिखते हैं। वो अपने गांव के किसी लड़के को चाहता है? नहीं, गांव के नहीं, यहाँ की। वो उसे चाहते हैं? हाँ, क्योंकि वो सुंदर है, क्योंकि वो बहादुर है, और लड़की बहुत खूबसूरत है। मैं उसे जानता हूँ, वो मेरे पड़ोसी है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ी है। वो एक दूसरे के लिए बने हैं, जंग के बाद दोनों शादी कर लेंगे। मुझे ऐसा ही लगता है। और तुम शाशा, तुम जर्मन्स की मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि वही जंग जीतने वाले हैं। और क्योंकि तुम्हें चॉकलेट पसंद है। सब लोग जानते हैं कि ये लोग मरने वाले हैं, इसलिए हर रात जब ये वापस आते हैं। तो जश्न मनाते हैं। क्या मतलब? मतलब चाय की हर प्याली, हर सिगरेट जश्न बन जाती है, क्योंकि हम में से कितनों के लिए ये शायद आखिरी रात होती है। ये सच हम सबको कबूल करना होगा, क्योंकि एक ना एक दिन तो मरना ही है। जानती हो, जंगल में भेड़िया 3 साल जीता है और गधा 9 साल। माफ करना, लेकिन ये जरूर तुम्हारे इलाके की कहावत है, जो भी है मेरी समझ से तो बाहर है। गधा ज्यादा जीता है क्योंकि वो ज्यादा काम का है। बात एकदम शीशे की तरह साफ है। जंगल में कोई गधे नहीं होते हैं। तुमने ये बात बनाई तो मैं कहती हूँ। तुम और डोनाल्ड जैसे लोगों का जीना बहुत जरूरी है। तुम लोग समझदार हो और पढ़े लिखे हो। जंग खत्म होने के बाद हमें तुम्हारी जरूरत होगी। तुम जिंदा रहे तो फिर ये बेकार वसली साइड सब क्या करेगा? मैं फैक्ट्री में काम करना चाहता हूँ। मेरे दादाजी एक बार मुझे फैक्ट्री ले गए थे। वहां एकदम ऊंचाई पर एक आदमी खड़ा था, सबसे अलग। उसने दूसरों की तरह वर्दी नहीं पहनी थी। जिन लोगों को वो समझा रहा था उन्हें काम की समझ नहीं थी, पर उसे मालूम था उसके लिए सब आसान था। उसे पता था उसका काम क्या है। और मैंने सोचा कि एक दिन मैं भी उस जैसा बनूंगा। अफसोस, कभी पूरा नहीं होने वाला वो ख्वाब। क्यों नहीं होगा? तुम हम सबसे ज्यादा जियोगे। तुम जंगल के सबसे बूढ़े गधे होगे। एक 150 मीटर की दूरी है जर्मन और वोल्गा नदी में। आज पूरी दुनिया देख रही है 150 मीटर। इसी फास्टर ने स्टालिनग्राद को जंग की राजधानी बना दिया।
दोस्त तानिया, तुमने देखा उसे? अब वो वहीं रहती है निशानेबाजों के साथ। तुम मेजर से कहना कि हम अपने सारे निशानेबाजों को फैक्ट्री में हमले के लिए भेज रहे हैं। उनसे कहना वैसली वहां होगा। जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। आपने सुना नहीं? आप मेरे बारे में लिखना बंद कर दें। मैं उसे नहीं मार सकता क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूं। आज नहीं तो कल वो मुझे ढूंढ लेगा और मुझे मार देगा। मैंने पहले भी कहा था कि ऐसी बातें मत करो। इस बार बात कुछ और है। आपने मुझे वो बना दिया है जो मैं बिल्कुल नहीं हूं।
ये बोझ मैं और नहीं उठा सकता। मैं लड़ना चाहता हूं, लड़ना चाहता हूं एक 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 आम सिपाही की तरह। मैं समझता हूं, बात यह है वैसे कि तुम एक आम सिपाही नहीं हो, तुम सबसे अनोखे हो। नहीं, ऐसा आपने मुझे बनाया है। हाँ, आपने। ये सब मुझे क्यों बता रहे हो तुम? क्या बात है? हाँ, क्या बदला है? तुमने तानिया से मेरी बात की? हाँ। क्या क्या वो मुझे चाहती है? मैं नहीं जानता, उसे सोचना चाहिए। वो यहां ज्यादा महफूज रहेगी, ये बात तुम ही जानते हो। हाँ? उसके काम में फेरबदल करना ज्यादा आसान है। जानते हो, जर्मन एक और धमाकेदार हमला करने वाले हैं शहर में, ऐसे में उसे यहां होना चाहिए। इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। साशा, रुक जाओ। साशा, इसे सब कुछ बताओ। साशा, बताओ, क्या जानते हो? आज मेजर के बूट पर बहुत धूल थी। साशा ने मेजर को यकीन दिलाया है कि वो उनका आदमी है। तुम समझ सकते हो कि इसने कितना जोखिम उठाया। धूल पीली थी, सिर्फ एक जगह है जहाँ ऐसी धूल है, केमिकल फैक्ट्री के पीछे, वहाँ बड़ा ढेर है पटरी के पास। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। साशा, मेरा बाहर इंतजार करना। हद है। आपको उसे इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं बनता। नहीं नहीं, मैंने उसे इस्तेमाल नहीं किया वैसली, उसने यह काम खुद किया है। और जानते हो क्यों? क्योंकि उसे तुम पर भरोसा है। कल सुबह हम केमिकल फैक्ट्री पर कब्जा करेंगे। साशा ने मेजर से कहा कि तुम वहां होगे, तो अब तुम्हें मालूम है कि उसका इंतजार कहां करना है। उस हमले के बीच बीच यह हुक्म ऊपर से आया, हम दोनों को यह मानना ही होगा। जानता हूं इसमें बहुत जोखिम है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कॉमरेड, ऊपर जर्मन सिपाही हैं, गदक रूसी थे, हम जीत से दूर नहीं। साशा, तुम बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हो। मैं चाहता हूं आप जीते। वो देख रहे हैं, नदी के किनारे चलते रहिए, थोड़ी दूर तक सुरक्षित रहेंगे। Thank you.
हमें उसकी लाश से मिला है। अब आपके यहां रहने की कोई वजह नहीं है। माफी चाहता हूं जनरल, पर मुझे नहीं लगता। कल शाम एक विमान बर्लिन रवाना होने वाला है, आप उसमें जाएंगे। आप अपने पहचान की सभी चीजें मुझे दे दीजिए। आप तो जानते हैं आपकी मौत से रूसियों को बहुत बड़ा फायदा होगा, इसलिए अगर आप मरे भी तो वो एक अनजान मौत होगी। एक बार आप मरते मरते बचे हैं। तो फिर आप ये बहादुरी के पदक भी ले लीजिए जो एक लेफ्टिनेंट को दिया गया था 116 इन्फिनिटी डिवीजन से, जो जंग के शुरुआती दिनों में ही मारा गया था। वो मेरा बेटा था। अपनों को खो दिया तो सबको खो दिया। यहाँ आओ। क्या कहा था मैंने तुम्हें? तुमने निशानेबाज के मामले को बहुत ज्यादा खींचा। अगर उसके मरने की खबर सच्ची है तो हम गए, और साथ में तुम भी। ये सच नहीं है। ये खबर मुझे उनके हेडक्वार्टर से मिली है। और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? क्या वो वैसेली की लाश हमारे सामने लटका दे? वो झूठे हैं। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो फिर लिखो कि वसीली जाइट्सेव मरा नहीं है। आज सुबह उसने नाश्ते में ये चीजें खाई, ये रही उनकी तस्वीर जो सुबह का अखबार पढ़ते हुए ली गई। तुम तो कवि हो क्या? हम स्टालिनग्राद नहीं सौंपने वाले। मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम्हारे कितने आदमी मरे हैं, जो बचे हैं उन्हें भी मरने दो या खुद मर जाओ। वो वापस आए? वो जल्दी वापस आ जाएगा। जर्मन हमले से रास्ते खराब हैं, इसलिए उसे देर हो गई। सर बाहर चले। मैंने मां को तुम्हारे बारे में बताया। वो चाहते थे कि मैं तुम्हें बता दूं कि जंग खत्म होने के बाद अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई जरूरत हो तो हमारा परिवार तुम्हारे साथ है। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। वो कह रहे वैसेली नहीं रहा। वैसेली जाइन से अब कभी अपने चाहने वालों से नहीं मिल पाएगा। हार मान लो, बचने का यही एक रास्ता है। तुम दुखी हो क्योंकि तुम्हारा हीरो मारा गया? आंसू छुपाने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। तुम इसकी तरह रूसी हो। उनकी बात मत मानो, ये सिर्फ अफवाह है, वो मारा नहीं है। और तुम जानते हो क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने उसे मारा नहीं। राज की बात बताता हूं सिर्फ तुम्हें, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पर तुम कसम लो कि यह तुम किसी से नहीं कहोगे। कसम लेते हो? मुझे एक बढ़िया जगह मिली है जो ट्रेन स्टेशन के ठीक बाहर है। मैं पानी के टॉवर में छुपूंगा। कल मैं वहां उसका इंतजार करूंगा। तुम देखना, वो वहां आएगा। वो हमेशा आता है। तुम्हें एक और कसम खानी होगी कि आज के बाद तुम घर पर ही रहोगे। कसम लेते हो? मालूम है कि वो जिंदा है, वो हमें निराश नहीं करेगा। हम जानते हैं क्योंकि वो हमारे एक हिस्सा है, वैसे अमर है। तुम कहां थे? हमने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। ओ, आपने सुना नहीं? मैं मर गया था। आखिरकार वो महान निशानेबाज जैद सैफ, मैं सहले
मर गया जो असली था, यानी मैं सो गया था और उसी वजह से बच गया। फिर उस आदमी के हाथों मरने के डर से एक कोने में जाकर छुप गया था। मैं खुर्शीद से बात करता हूं, तुम्हें अपने विभाग में भेज देंगे। तानिया कहां है? वो छावनी में है। मैं वहां होकर आया। मैंने उन्हें बताया कि आप मरे नहीं। मेजू ने कहा था जर्मन्स झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा आप स्टेशन पर मिलेंगे। बस ले। मैं जानती थी तुम जिंदा हो। कैसे? क्योंकि हम अभी मिले। मैंने दुआ मांगी बचपन से आज तक पहली बार, और जब मैंने आंखें खोली तो साशा सामने खड़ा था तुम्हारे जिंदा होने की खुशखबरी सुनाने। लगता है मुझसे ज्यादा वो तुम्हें चाहता है। सेना के उच्च अधिकारियों के नाम, मैं इस विषय पर कमांडेंट का ध्यान चाहूंगा। हाल ही में हमारे जाने माने सिपाही वैसली जाइत्सेव के स्वभाव में बदलाव देखा गया। कई बार उसने अपने पद से भागने की कोशिश की। इस जंग में हमारे जीतने पर शक जाहिर किया है और गलत बातें कही हैं सबके सामने। उस जर्मन शातिर निशानेबाज के साथ होने वाले सामने में उसका अभी तक नाकाम होना इस बात का सबूत है कि उसे हम पर जरा भी यकीन नहीं है। कैसे हो शाशा? एक बार फिर उसे पता था कि मैं कहां होने वाला हूं। तुम्हें अजीब नहीं लगता? मेरे अलावा सिर्फ तुम ही जानते थे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं शाशा, तुमने बड़ी बहादुरी का काम किया है। तुमने मेरी जासूसी की पर मैं इसकी इज्जत करता हूं, लेकिन तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हम दोनों सिपाही हैं, हम दोनों दुश्मन हैं, इसलिए तुम मेरी मजबूरी समझ सकती हो। मैं तुमसे नाराज हूं निशाचर, मैंने तुमसे कसम ली थी कि तुम घर पर ही रहोगे। मैं तुमसे नाराज हूं क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहता था। कभी किसी के चेहरे पर सोते हुए इतनी परेशानी नहीं देखी मैंने। तुम कब से मुझे देख रही हो? रात से। तुम पिछले कई घंटों से खर्राटे मार रहे हो। मैं खर्राटे नहीं मारता। मारता? बहुत जोर से। तब तो मैं नींद में बड़बड़ाता भी होऊंगा। हाँ। तुम्हें एक बात बतानी थी। उस ट्रेन में यहां आते हुए हम दोनों एक ही डिब्बे में थे। नहीं,
से डरता। हर वक्त तुम्हारा ख्याल मुझे आता रहता, सोचते ही मुस्कुराता। और फिर उन सब के बारे में सोचता जो तुम्हें छुएंगे, जो तुम्हें हंसाएंगे, वो कितने खुशकिस्मत होंगे। और अब मैं वो खुशकिस्मत हूं जो तुम्हारे पास है। मैं कराटे मार रही थी बहुत जोर से, शायद ना रहे। कुछ आखिरी कश्तियां निकलने वाली हैं, जर्मन किसी भी पल पहुंच जाएंगे। आपका पास लाए हैं, आप दूसरी ओर महफूज रहेंगी। आप जल्दी से अपना सामान बांध लीजिए और हम आपको जहाज तक छोड़ाएंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। ये घर मेरे साशा का घर है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। आपको एक बात बतानी थी मिसेस फिलिपोफ, जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। ये साशा के बारे में, वो जर्मन से मिल गया है, उसने देश के साथ गद्दारी की है, वो दुश्मन के साथ है, वो कभी वापस नहीं आएगा। ये क्या हो गया? ये मैं क्या सुन रही हूं? वो गद्दार बन गया, बेचारा नादान बच्चा, क्या किया उसने? तो अब वो उनके साथ रहेगा? हाँ, वो वही रहने वाला है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए कमांडर, और शायद इसी में उसकी भलाई है। अगर जनरल जीत गए तो वो महफूज रहेगा। जानती हूँ ये गलत है, पर शायद उसने सही चुनाव किया है। नहीं बचेगी, वो मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है, मैं भीख मांग।
है। तुम दोनों इसे कश्ती पर ले जाओ। मुझे किसी सुरक्षित जगह पर ले जा रहे हैं। तुम अपना ध्यान रखना साशा। कहां है वो? कहां है मेजर? तुम्हारे चेहरे से कुछ इंच दूर। मैं कितना बेवकूफ था वैसली। इंसान कभी सुधर नहीं सकता, वो बदल नहीं सकता। हमने कितनी मेहनत की एक ऐसा समाज बनाने की जहां कोई किसी से ईर्ष्या न करे, पर हमेशा ईर्ष्या की कोई वजह होती है। कभी मुस्कान, कभी दोस्ती, कभी कोई ऐसी चीज जो आपकी नहीं और आप उसे पाना चाहते हो इस दुनिया में और यहां भी। हमेशा अमीर और गरीब लोग होंगे, महंगे तोहफे होंगे, तोहफे नहीं होंगे, सच्चा प्यार होगा। प्यार नहीं होगा वापस नहीं आने वाली। वो मर गई वैसली। वो बुरी तरह से जख्मी हुई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वो खुद भी समझ नहीं पाई होगी। वो तुम्हारे पास आ रही थी और जैसे ही वो मिसेस फिलिपोव को कश्ती में बिठा देती वो तुम्हारे पास आ जाती। वो सही थी, तुम एक अच्छे इंसान हो वैसली। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं वैसली। मुझे एक आखिरी काम करने दो, कुछ ऐसा जिससे तुम्हें फायदा हो। चलो तुम्हें दिखा दूं कि मेजर कहां। नहीं, ऐसा मत करना। ऐसा मत करना। Thank you.
फरवरी सन 1943। आज 3 फरवरी 1943 एक बहुत ही शर्मनाक दिन है हिटलर और सभी जर्मन वासियों के लिए। ये हमारी मातृभूमि के लिए कभी ना भूलने वाली जीत है। अच्छी तरह देखा पर ये नाम हमारी किताब में नहीं। फिर से देखेंगे, ये देखिए, ये इसी अस्पताल का पता है और ये उनका नाम है। हाँ, हाँ, ये हमारा पता है, पर यहाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं। पर यही का पता है, उसने कहा था कि वो यहाँ है, उसे लिखा था मुझे। देखिए, मैं 3 बार देख चुकी हूँ किताब में और वो यहाँ नहीं है। मेरी मानो यहाँ कोई तानिया चनोवा नहीं है, मुझे अफसोस है। हाँ,